सब राज खुशी का समझे थे, नहीं आएंगे, आएंगे और हकीकत बताएंगे उस मगध का जो कभी विश्व गुरु हुआ करता था। तब आज तो बहुत खुश हो गए, खुश है ना बिहार के जनता, बहुत खुश होंगे। एक समाज सेवक आज जेल के अंदर है, खुशी तो मिली होगी, खुशी तो मिली होगी आप लोगों को, क्योंकि एक समाज सेवक जेल के अंदर है और क्या चाहिए इससे बड़ा। मैं कोई पार्टी विशेष को समर्थन नहीं करता हूं, ना मुझे किसी से पार्टिकुलरली कोई दुश्मनी है ना दोस्ती है, और वैसे भी मैं पॉलिटिकल बैकग्राउंड से तो कभी न बिलोंग किया था, न करता हूँ, न करूँगा शायद, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये जो पॉलिटिक्स है, ये पॉलिटिक्स नाम ही बहुत गंदा चीज़ है, क्योंकि ये पॉलिटिक्स ऐसा चीज़ है कि इसके अंदर जो भी व्यक्ति जाते हैं वो चाहे कितना भी साफ सुथरा छवि के क्यों ना हो, वो भी धूमिल हो जाते हैं। इसलिए मुझे ये पॉलिटिक्स नाम से ही नफरत है मेरे भाई। आखिर क्या है ये पॉलिटिक्स, आखिर क्या है कि एक साफ सुथरा छवि वाला लोग जो काफी करुण, मतलब जो कोमल हृदय वाले लोग बोलते हैं ना, उनका हालत मैं बता रहा हूँ कि वो कैसे एग्रेसिव हो जाते हैं, कुर्सी का मुंह उन्हें ऐसा जकड़ लेता है कि उनको कुर्सी के सामने ना कुछ और दिखता ही नहीं है, समझ गए ना। हम अपने बिहार सरकार के बारे में बोलना चाह रहे हैं कि आखिर वो विश्व पितामह बन के क्यों बैठे हुए हैं भाई, उनको सब कुछ पता है कि क्या सही है क्या गलत है, फिर चुपचाप क्यों, आखिर क्या मतलब आप चाहते हो, क्या सोचते हो, आखिर बिहार को और कितना गर्त में ले जाना है मेरे भैया। मेरे सरकार हाथ जोड़ करके विनती करते हैं, अब तो कुछ वक्ष दीजिए बिहार को, बिहार का जो जनता है ना उसका स्थिति बहुत खराब हो गया है, बहुत खराब स्थिति हो गया है। ये कोरोना के वजह से, बीमारी से तो लोग मर ही रहे हैं, भूखमरी से भी मर रहे हैं, अब क्या देखना बाकी है। पूरा देश शमशान बना हुआ है, बिहार की स्थिति तो देख ही रहे हैं, हेल्थ सिस्टम क्या हो चुका है। अब तो आंख खोल दीजिए, अब मौत से भी बड़ा कुछ सजा देना होता है क्या, अब तो आप अपने गरीब जनता को मौत की सजा दे चुके हैं, अब क्या बाकी रह गया। ये वीडियो पप्पू यादव के लिए बनाया जा रहा है मेरे भाई, जो उनके समर्थक होंगे मुझे पता है अच्छा बोलेंगे, जो उनके विरोधी होंगे वो गाली देंगे। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूं कि थोड़ा सा व्यक्ति विशेष और स्वार्थ से निकल करके देखिए और पिछले 10 साल का करियर देखिए पप्पू यादव का, कि आखिर उनमें क्या बुराई था और क्या बुरा काम किए। यदि समाज का सेवा करना बुराई है तब तो खैर बहुत बड़ा सजा किए हैं वो। लोग कहते हैं कि वो तो इतना कुछ कर रहा है फोटो खिंचाने के लिए कर रहा है, हम कहना चाहते हैं भैया आप भी फोटो खिंचाने के लिए ही सही गरीबों का मदद कर दो ना भाई, आप भी गरीबों का मसीहा बन जाओ ना, क्या दिक्कत है, आप भी अपना जमीन और घर बेचने के लिए मजबूर हो जाओ ना भाई, क्या दिक्कत है। लेकिन नहीं करोगे ना आप नहीं करोगे ऐसा, क्योंकि आप में उतनी क्षमता नहीं है।
उतना दिल नहीं भगवान दिया है कि आप ये सब कर सको, लेकिन भाई जो कर रहे हैं उनको तो करने दीजिए। इस कोरोना काल में पप्पू यादव का बिहार में कितना जरूरत है, ये पुराने हिस्ट्री आप देख लीजिए, डेढ़ दो महीना का हिस्ट्री देखिए कि यदि जनता के साथ कदम से कदम मिला करके यदि कोई चला है, कोई सहायता प्रदान किया है, वो चाहे पटना में आए, बाढ़ को ले लीजिए, पटना में ही नहीं बिहार के विभिन्न क्षेत्रों में जब बाढ़ आता है तो वहाँ पे आप देखते होंगे सबसे आगे पप्पू यादव होते हैं। हर क्षेत्र में कोई मर गया, किसी को भर्ती कराना है, किसी को ऑक्सीजन नहीं है, हर चीज में तो मीडिया में यही देखने को मिलता है भैया कि सबसे आगे पप्पू यादव हैं। लोग कहते हैं उनका पास्ट बहुत, पास्ट हिस्ट्री जो है बहुत खराब रहा है। हो सकता है, हो सकता है कि उनका पास्ट हिस्ट्री बहुत खराब रहा हो, तो भैया आज प्रेजेंट में जिसका हिस्ट्री सही है वो कहाँ ये सब काम कर रहा है, अब पास्ट में क्या था उसको लेकर के क्यों रो रहे हो। अभी तो देखो कि आखिर क्या कर रहे हैं आप, वैसा क्या उनको दे दिए, आखिर पप्पू यादव को बिहार की जनता क्या दे दिया कि भैया उनको समाज सेवा का कीड़ा काट लिया। हम तो यही नहीं समझ पाए आखिर कि आखिर वो उस मूर्ख व्यक्ति को, मतलब सॉरी माफ़ करिएगा, एक्चुअली हमारे दिल में तो बहुत इज्जत है आपके लिए, लेकिन मतलब मूर्खता का भी हद है। सोचिए बिहार में इलेक्शन हुआ तो बेचारे को एक सीट नसीब नहीं हुआ, फिर भी इलेक्शन खत्म हुआ जब जनता पे विपत्ति आई तो मेरे भैया सबसे आगे पप्पू यादव है। आखिर कौन सा वो कीड़ा है समाज सेवा करने का कि समाज को सेवा करने के लिए बेचारा सब कुछ न्यौछावर कर देना चाहते हैं। भाई ऐसा कौन कीड़ा काट लिया भाई, कोई इंजेक्शन वगैरह तो भैया आप दिलवा लीजिए, आप घर में बैठिए, ये बिहार का जनता है और बिहार का सरकार है, उसको ये सबसे मतलब नहीं है कि आपने उसके लिए क्या किया है। मगध की धरती है भैया, पुरानी गरिमा को याद करके हमको लगता है कि आखिर हमारे पूर्वज कैसे थे और आज के लोग कैसे हो गए हैं, आज की सरकार कैसी हो गई है। मैं नीतीश कुमार को नहीं कोस रहा हूँ, मैं तो नीतीश कुमार का बहुत बड़ा भक्त हूँ, उनका समर्थक हूँ, लेकिन ये जो सिस्टम है ना, हमको इस सिस्टम से दोष है कि ये सिस्टम आखिर क्या सोच लेता है, क्या चाहता है कि समाज में यदि कोई व्यक्ति समाज सेवा करके अपना नाम कमाना चाहता है तो उस व्यक्ति को ही वहां से हटा दिया जाता है कि भैया आपका नाम क्यों होगा इस समाज में। हो सकता है कल आप सीएम का कुर्सी ले ले भाई, हर कोई का सपना होता है कि हम ये चीज बने। व्यक्ति एक स्टूडेंट का एग्जाम्पल लेते हैं कि स्टूडेंट भी मेहनत करता है इसलिए कि कल उसको जॉब मिले, जब उसको जॉब नहीं मिलता है तो मेहनत करना छोड़ देता है, पढ़ाई लिखाई सब छोड़ करके बैठ जाता है, दूसरा काम में लग जाता है। लेकिन पप्पू यादव ही ऐसे व्यक्ति हैं जिनको कुछ आज तक हासिल नहीं हुआ फिर भी जनता के साथ खड़े हैं, और आज जब वो जेल के अंदर हैं तो कुछ लोग खुशियां मना रहे हैं, लेकिन उस गरीब जनता का क्या जिसके साथ वो खड़े थे, उसको कौन सहायता प्रदान करेगा भाई, उनको कौन ऑक्सीजन सिलेंडर दिलवाएगा, उनको पीएमसीएच एनएमसीएच में कौन भर्ती करवाएगा, उसके साथ तो कोई है ही नहीं, क्या होगा उनका, ऑलरेडी बहुत लोग मर रहे हैं, क्या करना है भाई, ये ठीक नहीं है। आप बोलते हैं ना पास्ट खराब था, वाल्मीकि महर्षि वाल्मीकि का पास्ट कौन अच्छा था, वो तो बहुत बड़ा डाकू थे, लेकिन जब उसके अंदर, जब उनके अंदर विचार आया, अच्छा विचार जब घर किया, उनको भी इसी तरह का कीड़ा जब काटा ना तो एक महान ऋषि बन गए, हर कोई उनको एक अच्छे व्यक्ति के रूप में जानता है। वह महर्षि वाल्मीकि का दिमाग का ही उपज था रामायण, जो पूरा
राम के विचार का वर्णन किए, राम का कथा सब कुछ वर्णित किया, एक पुस्तक में लिख डाले, उससे भी बड़ा और क्या हो सकता है। तो यदि कोई व्यक्ति कुछ कर रहा है समाज के लिए तो उसको प्लीज करने दीजिए, हो सकता है उसका पास्ट बहुत खराब हो सकता है, लेकिन यदि आपको उनको जेल में ही भेजना था तो कुछ समय इंतजार कर लेते, कर लेने देते उनको, अपने जो कीड़ा काटा था ना उसका तो कम से कम जो भी हो, बहुत गलत है। समाज में जो आपको हेल्प करता है कोशिश करिए कि उसका भी हेल्प हो, उसका भी सहायता हो, बाकी आप लोगों की मर्जी है। देख ही रहे हैं क्या हो रहा है समाज में, और बिहार तो हमारा गर्त में जा ही रहा है भैया, बाय। देखिए जो कुछ होता है, जहाँ तक हो सकता है कुछ हेल्प करने का कोशिश करिए, कुछ आवाज़ उठाइए कि वो बहुत जल्दी बाहर आए और हमारे बिहार के जनता के साथ खड़े रहे, और दुआ करते हैं भगवान से कि वैसा कोई गलत काम ना हुआ हो उनके साथ और आगे ना हो, और हमारे बिहार के जनता को काफ़ी ज़रूरत है उनका। धन्यवाद मेरे भाई।